friends, Raza bought the book because he wanted to read it. ए में यहाँ पे सेंटेंस आपको क्या बता रहे हैं कि प्रोनाउन इट है और वो बता रहे हैं आपको कि इट कहाँ कहाँ यूज करते हैं. अब यहाँ पे देखें इन्होंने इट कहाँ पे यूज किया, बुक की जगह पे इन्होंने क्या यूज किया, इट यूज किया. बी द डॉग वॉज बार्किंग बिकॉज इट वॉज हंग्री. यहाँ पे इट इन्होंने कहाँ यूज किया, डॉग की जगह पे. यानी अगेन इन्होंने डॉग राइट नहीं किया सेंटेंस में बल्कि इट आ गया कि डॉग की बात हो रही है इसलिए डॉग की जगह पे प्रोनाउन क्या यूज हुआ, इट यूज हुआ. इन सेंटेंस ए इट रेफर्स टू अ थिंग विदाउट लाइफ अ बुक. सेंटेंस जो ए लिखा हुआ है क्लास इसमें विदाउट लाइफ यानी जिस चीज की कोई जिंदगी नहीं होती, एक बुक है उसकी कोई जिंदगी है, अगर उसकी जिंदगी नहीं होती तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं. और इन सेंटेंस बी और बी सेंटेंस है आपका इट रेफर्स टू एन एनिमल आर डॉग, क्योंकि इसकी जगह डॉग की जगह पे भी इट यूज हुआ. क्यों यूज हुआ, ये तो इसकी डॉग की तो जिंदगी होती है लेकिन वो आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई एनिमल का नेम आ जाएगा तो हम उसकी जगह पर भी इट यूज करते हैं. नंबर टू में नंबर बी में क्या यूज हुआ, इट यूज हुआ ना, ऊपर भी इट हुआ है, बुक की कोई जिंदगी नहीं होती होते हैं. अब यहाँ पे बताएंगे हाउ एवर वी कैन ऑल्सो रिफर टू एनिमल और हम जो एनिमल्स की जगह ही शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम मेल या फीमेल कर सकते हैं. हाँ मतलब हम इट भी यूज करते हैं और ही शी भी कर सकते हैं. शी भी करना ना, शी और हर. हमने शी और हर प्रोनाउन है हमारे, इस पे आप अंडरलाइन कर देंगे. अब नंबर टू है द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस आर मेल. अब यहां बताएं प्रोनाउन कहां यूज हुआ हुआ है, अस, अंडरलाइन करें. नंबर थ्री यू मस्ट स्वीप द फ्लोर बिकॉज इट इज डर्टी. अब इसमें कहां कहां प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है और इट प्रोनाउन है. नंबर फोर वी आर गोइंग टू वॉच अ प्ले, राशिद इज एक्टिंग इन इट. इसमें कहां कहां प्रोनाउन है, वी और क्या नजर आ रहा है, इट. गुड, सब कर रहे हैं मैम के साथ. नंबर फाइव राणा टुक द डॉग टू अ वेट, इट वॉज लिंपिंग बैडली. इट पे करें अंडरलाइन. गुड, अब मैंने आपको ये 1 to 5 एक्सरसाइज करवा दी हैं. अब आपने 6 से लेकर 10 तक आपने खुद से समझ के प्रोनाउन आपने देखना है कहां कहां प्रोनाउन राइट है तो आपने उसी हिसाब से अंडरलाइन करना है. और स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा प्रोनाउन, आपने इस पेज को पेज नंबर 16 को बहुत अच्छा से अंडरस्टैंड करना है कि प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं और एक्सरसाइज को उसको देखते हुए ही आपने फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, चलें अपनी डायरी की तरफ आते हैं.